आज चर्चा करते हैं एक अद्भुत प्रार्थना पे। तो दोस्तों, ये कहानी किसी लेखक ने लिखी है, तो इसमें मैं का मतलब लेखक है। तो शनिवार हो या सोमवार हो या रविवार हो दोस्तों, दूध लाने की जिम्मेदारी मेरी थी। तो सोमवार को मैं सुबह उठा, दूध लाने की जल्दबाजी में मुंह धो के बाहर निकला। बाहर निकल के बारिश का अनुमान तो था नहीं, बाहर निकला तो बारिश थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। जल्दबाजी में छाता लेना भूल गया था। तो दूध की दुकान के रास्ते में बीच में एक भगवान शिव का मंदिर पड़ता है, तो बारिश तेज हुई तो जाते टाइम भगवान की वो शंकर भगवान के मंदिर के छज्जे के नीचे 2 मिनट रुका और भगवान शिव से प्रार्थना की कि भगवान थोड़ा दुकान का तरफ ध्यान करना, कहीं दूध खत्म ना हो जाए, मैं बिना दूध के रह जाऊं। तो थोड़ी बारिश रुकी तो तेज कदमों से दुकान की तरफ गया, दूध मिला, लेके वापिस आने लगा तो बारिश थोड़ी वापिस तेज हो गई, तो वही भगवान शिव के मंदिर के छज्जे के नीचे खड़ा हो गया। तो देखा कि उस मंदिर में एक किसान भगवान शिव से हाथ जोड़ के विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि भगवान बारिश जोरदार कराओ, इस बार तेज बारिश चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए, क्योंकि मेरे पास मशीन वालों को देने के पैसे नहीं है, रोपनी करानी है, कम बारिश हुई तो मशीन वाले पैसे लेंगे, रोपनी मशीन से करानी पड़ेगी, तो ज़्यादा बारिश करो तो रोपनी मैं कर लूँगा, अच्छी रोपनी हो जाएगी और जो मेरे पास बचेगा उससे मैं खाद और दूसरी कोई वस्तु में ला के मैं मेरा काम सेटिंग कर लूँगा। तो किसान की प्रार्थना मैं सुन रहा था। उसी मेरे बगल में छज्जे में एक मजदूरों का समूह भी खड़ा था, दिहाड़ी मजदूरी पे शहर में जो जाते हैं उसका एक समूह खड़ा था। उसमें से एक मजदूर ने वो किसान की प्रार्थना सुन ली और वो झल्ला कर भगवान शिव के मंदिर में जाके वो भी प्रार्थना करने लगा कि भगवान शंकर, आज के दिन में बूंद भी बारिश मत कर देना, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर बारिश आ गई तो ठेकेदार छत नहीं डलवाएगा, स्लेब नहीं डालेगा और मुझे दाढ़ी नहीं मिलेगी, दाढ़ी नहीं मिली तो मेरा बच्चा कल रात से बीमार है, उसे बहुत तेज़ बुखार है, तो उसके बुखार की दवा लेके जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, दाढ़ी नहीं मिली तो मैं वो दवा नहीं ले जा पाऊँगा, मेरा बच्चा ठीक नहीं होगा, तो आज के दिन में बारिश मत कराना, मुझे दाढ़ी मिलेगी तो उस पैसे से मैं मेरे बच्चे की दवा लेके जाऊँगा, उससे कल से उस बच्चे ने कुछ नहीं खाया है। ये प्रार्थना करके मज़दूर बाहर आया, बारिश धीमी पड़ी तो मज़दूर चले गए। मैंने दोनों की प्रार्थना अजीब सुनी कि भगवान किसकी सुनेगा, किसान बोल रहा है बारिश कराओ, मजदूर बोल रहा है मत कराओ। तो मैं भी कंफ्यूज होके दिमाग में कुछ विचार लेके लेके घर आ गया। तो दोस्तों, मैं अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गया, कब सुबह से शाम हुआ कब रात हुआ पता नहीं चला, मैं सो गया। दोस्तों, दूसरे दिन सुबह उठा तो देखा रात में बहुत ज़ोरदार बारिश हुई, पानी अच्छी बारिश हुई थी। तो मुझे कल वाली घटना याद आई कि भगवान शिव से किसान प्रार्थना कर रहा था कि मुझे बारिश चाहिए और मजदूर प्रार्थना कर रहा था कि मुझे बारिश नहीं चाहिए। तो दोस्तों, भगवान ने उन दोनों की प्रार्थना सुनी, दिन में मजदूर की प्रार्थना सुन ली, दिन में बारिश नहीं करवाई, तो फलस्वरूप ठेकेदार ने छत डलवा ली और मजदूर को दाढ़ी मिल गई, उसके पैसे मिल गए, उस पैसे से मजदूर अपने बच्चे के लिए दवाई ले गया और रात में अच्छी बारिश करवा दी, तो किसान की बात सुन ली, किसान की रोपनी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, हमें अधीर नहीं होना चाहिए, हमें जल्दबाजी में अधीर हो जाते हैं भगवान के प्रति, तो अधीर नहीं होना चाहिए, भगवान में विश्वास रखना चाहिए, प्रार्थना कभी न कभी भगवान ज़रूर सुनता है। राम राम दोस्तों।